ठीक है, एक सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस के तरह से सीखेंगे, है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं क्या चीज, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका डिफरेंस आता है कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है, वो हम लोग देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट में आप लोग जान लो, है ना, मेटल्स क्या होते हैं, है ना। मेटल्स क्या होते हैं, विच हैव, वैसे एलिमेंट्स विच हैव वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट, है ना, ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसके वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग मेटल्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि आपको हो गया सोडियम, जान लो, है ना, सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2 8, है ना, 1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना। फिर एग्जाम्पल जान लो आपके, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का कितना है, 2 8 2, है ना। इसी तरह अगर मान लो एल्यूमिनियम जान लो, एल्यूमिनियम का कितना होगा, 2 8 3 8 3। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 या 3 एलिमेंट, है ना, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वैसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, मेटल्स, है ना। सिमिलरली नॉन मेटल्स किसको कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट नॉन मेटल का, विच हैव, नॉन मेटल्स आर दोज विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। क्लियर है कि वैसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल कौन से हो गए, एग्जाम्पल में जैसे कि आपका हो गया कार्बन, है ना, कार्बन का कितना है, 2 4, है ना। फिर एग्जाम्पल और जान लो क्या होता है, ऑक्सीजन कितना होगा, 2 6, है ना। तो इसी तरह का आपका 4 5 6, नाइट्रोजन जान लो, नाइट्रोजन कितना होगा, 2 7 7 6, है ना, 7 नहीं, 2 5 होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह का जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को कहेंगे क्या, नॉन मेटल्स, ठीक है। चलो तो एक्सेप्शन इसमें क्या है कि एक्सेप्शन जैसे कि इस केस में मेटल्स के केस में एक्सेप्शन कौन हुआ, एक्सेप्शन मरकरी, नहीं, मरकरी इज अ मेटल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1, लेकिन फिर भी ये क्या है, नॉन मेटल है, 1, है कि नहीं, और क्लियर है। चलो नंबर 2 में नंबर 2 इसमें फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, है ना। सॉरी वो थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण। पॉइंट नंबर 2 था आपका फिजिकल अपीयरेंस, है ना, क्या था, फिजिकल स्टेट के बारे में समझो,
ठीक है, फिजिकल स्टेट कैसा होता है इसका, फिजिकल स्टेट, ठीक है, तो फिजिकल स्टेट मेटल्स का कैसा होता है, दे आर जनरली सॉलिड, है ना, मेटल्स आर कैसा होता है, दे आर जनरली सॉलिड, सभी सॉलिड नहीं होते लेकिन दे आर जनरली, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, जनरली सॉलिड, ठीक है, इसमें भी आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, मरकरी है ना, एक्सेप्शन आपका मरकरी है, क्यों, क्योंकि वो मरकरी क्या है, आपका लिक्विड है ना, एक्सेप्शन आप लोग ध्यान से रखना है ना, एक्सेप्शन आपका आ गया मरकरी, ठीक है, ये एट रूम टेम्परेचर क्या है, लिक्विड है ना, आप देखे होंगे मरकरी शायद कहीं अगर मौका मिला हो या थर्मामीटर से अगर कहीं मरकरी लीक हुआ हो कभी देखा हो, तो वो क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो फ्लो करता है, ठीक है, तो मरकरी होता है इसका एक एक्सेप्शन, ठीक है, सेकेंड केस का नॉन मेटल्स में दे आर जनरली, नॉन मेटल्स कैन बी, जो नॉन मेटल्स होते हैं इट कैन बी इन एनी स्टेट, वो गैस भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो सॉलिड भी हो सकते हैं, तीनों स्टेट में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देख लो, है ना, गैस में कौन कौन से आपके आएंगे, है ना, गैस में नॉन मेटल्स जैसे मान लो क्लोरीन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, तो ये सब सारे सारे जो हैं वो क्या है, गैस में, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो है वो गैस, टोटल 11 नॉन मेटल्स हैं जो कि हमारे गैस गैसियस फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड में, लिक्विड में कौन सा है, एक ही है, कौन सा, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, याद रहेगा, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है, सॉलिड में कौन सा है, कार्बन हो गया, है ना, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, ये सब सारे आपके सॉलिड हो गए, ठीक है, क्लियर है, नंबर थर्ड, थर्ड में देखो क्या है, लस्टरस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पहले भी, है ना, मेटल्स हैव लस्टर, मेटल्स हैव लस्टर, ठीक है, यहाँ पे लस्टर का क्या मतलब है, लस्टर मींस व्हाट, शाइनिंग सरफेस, है ना, शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस, शाइन, है ना, मतलब लस्टर का मींस शाइन, है ना, चमकदार, ठीक है, हम लोग मेटल्स को कैसे जनरली आसपास के हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा चमकीले होते हैं ना, उसको हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा चमक रहा था, दैट मींस ये जनरली ये आपका होगा क्या, है ना, वो हमारा मेटल होगा, है ना, इट द मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं हम लोग, अगर उनके सरफेस को हम लोग क्या किए, मेटल्स के सरफेस को अगर हम लोग पॉलिश किए, है ना, रगड़े किसी तरीके से, तो क्या होता है, वो शाइनिंग हो जाते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाते हैं, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, अगर मेटल्स के सरफेस को आप लोग क्या करो, आप लोग उसको रब करो या फिर पॉलिश करो, तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बदल जाएगा, है ना, ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैक, रेलवे ट्रैक, वो क्या होता है, उस पर हर मतलब कि उस पर क्या होता है, हमेशा रेलगाड़ी दौड़ते रहती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उस पर फ्रिक्शन होता है, उससे पॉलिश हो जाता है, तो आप देखोगे जो अपर पोर्शन होता है वो जनरली क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, चमकदार होता है ना, तो उसी को कह सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह होते हैं, अगर उनके सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, उनमें शाइनिंग होती है, ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स इसमें एक्सेप्शन है, बता सकते हो कौन है वो एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है, आयोडीन, एक्सेप्शन बताओ, आयोडीन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल, वो मेटल तो है ही नहीं, तो मेटल में ना एक्सेप्शन आएगा, मेटल में कौन ऐसा चीज है जो जो आपका लस्टर नहीं है उसमें, तो आप नॉन मेटल्स का एग्जांपल दे रहे हो, वैसा थोड़ी होता है ना, एक्सेप्शन में आ जाएगा आपका लेड, क्या आएगा, लेड, याद रहेगा, तो लेड,
लेड क्या होता है, डल लुकिंग होता है. डल का मतलब क्या समझते हो, मतलब कि उसमें चमकदार नहीं होता, बोरिंग टाइप का दिखता हो ऐसे करके, है ना. तो लेड है उसमें डल लुकिंग, इससे क्या होता है डल, है ना, वो सरफेस आपका शाइनिंग नहीं होता. ठीक, इसमें है ये पॉइंट नंबर 3 है, इसमें है क्या, नॉन मेटल्स आर डल. ये तो हमेशा डल ही होते हैं, ये आप देखे होगे, कोई भी नॉन मेटल देख लोगे तो वो चमकते नहीं है, है ना, वो डल लुकिंग होते हैं, डल लुकिंग. ठीक है, वो चमकते नहीं है. ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें, क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, कुछ नॉन मेटल्स है जो चमकीले होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपका आयोडीन, है ना, आयोडीन ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर के तरह चमकता है. ठीक है, फिर है डायमंड, है ना, डायमंड जो कि आप देखे होंगे, है ना, तो डायमंड क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होता है, क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता, हाई होता है ना. डायमंड जो है वो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल है ये डायमंड, लेकिन फिर भी ये आपका शाइनिंग होता है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखे होंगे ग्रेफाइट, है ना, पेंसिल लिड में देखे होंगे, वो हल्का चमकता है ना, लाइट में उसको ले जाओगे तो वो थोड़ा चमकेगा, ग्रेफाइट क्रिस्टल्स. ठीक है, ग्रेफाइट कैसे, तो ये इसके एक्सेप्शन हो गए, क्लियर है. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नंबर 4. ठीक है, नंबर 4 में क्या है, हार्डनेस, है ना, हार्डनेस. हार्डनेस तो मेटल्स क्या होता है कि जनरली ये हार्ड होते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये लोग आपस में जो मेटल्स होते हैं वो लोग आपस में बहुत ही ज्यादा, उनके बीच जो मेटल्स के बीच का जो मेटल्स का जो आटम्स होते हैं उनके बीच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना. इनके बीच कैसा बॉन्डिंग होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. आपस में दोनों सभी कोई अपने आप को बहुत अच्छे से बहुत टाइटली बाइंड करके रखते हैं, है ना, इसलिए ये लोग जनरली हार्ड होते हैं, है ना, दे आर जनरली हार्ड, दे आर जनरली हार्ड. ठीक है, जनरली दे आर हार्ड होते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या कह सकते हो, एक्सेप्शन जान लो, एक्सेप्ट है आपका जो कि मरकरी कह सकते हो, है ना, मरकरी HG, मरकरी क्या है, लिक्विड है, बताया था मरकरी, और क्या है, सोडियम, है ना, और क्या है, पोटेशियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम क्या है, एक सेकेंड, ये सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या है, सॉफ्ट मेटल्स, ये क्या है, सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स. कहा जाता है कि ये लोग, इनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, है ना, जो सोडियम और पोटेशियम है दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दे कैन बी कट विथ अ नाइफ. और मरकरी क्या होता है, इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, बट इट इज अ मेटल, क्लियर. इसकी बात करते हैं, नॉन मेटल की बात करते हैं, दे हैव, नॉन मेटल्स आर जनरली, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना, ज्यादा उन वो मतलब कि कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं. क्यों, क्यों सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, है ना, जो कि वीक होता, बहुत ही जो इनके बीच का जो जैसे कि उसमें था आपका मेटल्स के केस में क्या था, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड था, लेकिन इसमें है वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, है ना, इसलिए ये उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं, है ना. एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन क्या है आपका,
डायमंड है ना। डायमंड क्या है? नॉन मेटल है, बट ये बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन है ना डायमंड। ग्रेफाइट हो सकता है? ग्रेफाइट सॉफ्ट है ना, वो तो सॉफ्ट ही है, वो तो टूट जाएगा ना ऐसे करके है ना। ठीक है, क्लियर, डायमंड। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपका डिफरेंस कह सकते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस डिफरेंस नंबर 5 क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बताओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ये हमारे बहुत ही ज्यादा, इनके बीच में क्या है, मेटल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा हाई मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, जिसके वजह से क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इन लोगों को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, जब सेपरेट आसानी से नहीं कर सकते तो उसको बहुत ही ज्यादा हीट चाहिए होगा, तभी बॉइल करेगा, है ना। इसलिए इनका क्या होगा, हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, रीजन समझ में आ गया ना, क्यों होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? क्योंकि इनका, इनके बीच का जो मेटालिक बॉन्डिंग होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा वही मरकरी, एज यूजुअल है ना मरकरी। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो, क्यों? क्योंकि लिक्विड है, एट रूम टेम्परेचर इसका क्या है, ये लिक्विड है ना, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, चलो नॉन मेटल में देखते हैं। नॉन मेटल का क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? क्योंकि इनके इनमें कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, है ना, जो कि बहुत ही वीक होते हैं। कोई अगर पूछे कि व्हाट व्हाई द नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि बिकॉज दे हैव लो वीक वंडरवॉल फोर्सेस, है ना, दैट्स व्हाई दे गेट दे ब्रेक इजीली एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्ट, बहुत ही एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, ग्रेफाइट है ना, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। बोलेगा कि अभी है, लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट बोलेगा नहीं इसका तो नहीं था ऐसा, तो बोलेगा इसके लिए थोड़ी बोला था, है ना, तो ऐसा है, केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता है कभी कभी, है ना। चलो एक्सेप्शन में आपको आ जाएगा इसमें जैसे कि सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिलिकॉन ग्रेफाइट का नहीं होता है, सिलिकॉन हो गया, है ना, ग्रेफाइट कह सकते हो क्योंकि वो कार्बन के में आता है ना, है ना, हाँ उस कह सकते हो, कह सकते हो कार्बन, तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, है ना, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। ठीक है, तो कार्बन का भी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका एक एक्सेप्शन आ गया इसमें। ठीक है, चलो डिफरेंस नंबर 6 देखते हैं, 6 क्या है डिफरेंस। ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मीन्स कितना कोई कितना भारी है, डेंस है, है ना, तो इसका भी वही रीजन होगा क्यों डेंसिटी हाई है मेटल्स का, क्यों, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, वो बहुत ही क्लोज फिट है सभी कोई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो क्या वो काफी डेंस है, भारी है, है ना, इसलिए हमको क्या कहते हैं, मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी।
ठीक है, मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्शन आ गया, बोला कि नहीं इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, इसके लिए तो नहीं बोला था मैंने, है ना, ऐसे बोलेगा ये केमिस्ट्री, बोला कि भाई बोला तो है लेकिन ऐसा थोड़ी है सबके लिए बोला है, इसके लिए नहीं बोला, इसके लिए नहीं बोला, तो वो है आपका सोडियम, है ना, सोडियम के लिए बोला कि नहीं है ऐसा, है ना, सोडियम के लिए नहीं बोला और पोटेशियम के लिए भी नहीं बोला, है ना, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स है तो इसका मतलब क्या है, ये इनका डेंसिटी लो है, दे कैन बी कट थ्रू अ नाइफ, है ना, ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम इसके आगे एक्सेप्शन डेंसिटी में, जिसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, ठीक है, पर मरकरी नहीं आएगा, नहीं मरकरी का डेंसिटी हाई होता है, है ना, मरकरी का डेंसिटी हाई होता है, ठीक है, इसका होता है 13,600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब, है ना, तो वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर उसके बाद है इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या डेंसिटी इसका क्या होता है, जनरली हैव लो डेंसिटी, दे जनरली हैव, जनरली सभी के साथ नहीं होता है, बोल दिया, देख रहे हो ये इसको क्या कर दिया कि जनरली बता दिया, है ना, जनरली दे हैव लो, सबके साथ ऐसा नहीं होता, ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना, दे जनरली दे हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी, अब आ गया फिर से एक्सेप्शन, है ना, फिर से आ गया एक्सेप्शन, एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड आयोडीन, डायमंड, ठीक है, डायमंड क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, है ना, बहुत ही ज्यादा हार्ड है तो उसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आयोडीन मे बी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, हाँ आयोडीन भी कह सकते हो, ठीक है, तो एक्सेप्शंस तो हैं सभी में, ठीक है, एक्सेप्शंस तो रहेंगे, कि मैं कभी केमिस्ट्री बोलेगा कि ऐसा होता है, उसके बाद फिर वो एक आप उठा के ले आए ये वाला सब्सटेंस, बोला इसका तो नहीं होता है, बोला अरे बाबा इसके लिए थोड़ी बोला था, ऐसे बोलता है ये, तो कभी बहुत ही झूठा सब्जेक्ट है ये, है ना, चलो नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस सिक्स में है, सिक्स हो गया ना, सेवन है अब, सेवन क्या है, डक्टिलिटी, आपने पढ़ा होगा डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, क्लास एट में पढ़ा होगा आपने, तो किथिन वायर में चेंज हो जाता है उसी को, हाँ इसको क्या होता है कि हम लोग इसको इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब इसको हम लोग खींचेंगे, अगर मेटल्स को हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, वो टूटता नहीं है बल्कि वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है, वो खींचा जाता है ना, तो क्या कहेंगे इसमें, डक्टिलिटी का पहले डेफिनेशन, जो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, ये इसका आपका डेफिनेशन टाइप का हो गया, तो अब मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है, दे डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल, जैसे कि तार, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, तो ये सब क्या होते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब कि इनको बना के हम लोग तार की तरह बना सकते हैं, जो कॉपर वायर होता है ना, तो ये सब आपके डक्टिलिटी में ही आता है ना, तो एग्जाम्पल हो गया आपके क्या, एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे कि सिल्वर, सिल्वर हो गया Ag, है ना, सिल्वर, गोल्ड हो गया Au, है ना, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, है ना, तो ये सब सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको ये जनरली टूटते नहीं है खींचने पे, ठीक है, ये क्या होता है, ये शीट, ये आपके वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें भी आपके एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या है इनके, बताओ, मरकरी,
मरकरी एक्सेप्शंस कह सकते हो, हाँ मरकरी है ना, क्या है मरकरी और कोई, सोडियम, सोडियम वेरी गुड, पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम और एक है कोई बता सकता है, जिंक है ना, जिंक ठीक है। तो ये सब सारे जो है, जिंक जो है ना वो ब्रिटल होता है ना, वो क्या होता है टूट जाता है, उसको अगर हम लोग या फिर उसको ठोकते हैं या फिर उसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा ठीक है। तो इसलिए उसका हम लोग उसका हम लोग वायर नहीं बना सकते हैं, है ना। सिल्वर जो है आप जैसे कि आपका मरकरी है वो लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोडियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट मेटल्स है, उसको हम लोग खींच नहीं सकते है ना। तो ये सब एक्सेप्शंस है उसके। सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो दे हैव, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट डक्टाइल ठीक है, वो डक्टाइल नहीं होते हैं, है ना। एक्सेप्ट क्या है इसमें एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है कि कार्बन से हम लोग कार्बन फाइबर्स बना सकते हैं, एक्सेप्ट है ना, कार्बन फाइबर्स है ना, फाइबर केबल देखे होंगे आप लोग है ना, ऑप्टिकल फाइबर ये सब जो है वो कार्बन फाइबर से ही बना होता है ना ठीक है। तो जैसे कि कह सकते हो टाटा स्काई से जो वो आता है तार ब्लैक कलर का है ना, तो वो कार्बन फाइबर से ही बना होता है ठीक है, जो उसका अपर कवरिंग होता है ना, उसको कार्बन फाइबर कहते हैं ठीक। नेक्स्ट आपका डिफरेंस देख लो, एट में मैलिएबिलिटी ठीक है, क्या है मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ, दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट, शीट्स मतलब कि उनको अगर हम लोग ठोक ठोक के उसको हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन हैमर्ड इनटू थिन थिन शीट्स ठीक है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल ठीक है, मेटल्स आर मैलिएबल है ना। इसमें भी आपके फिर आपके आ जाएंगे एक्सेप्शन, बोला है ना एक्सेप्शन से भरा पड़ा है ये चैप्टर, एक्सेप्शन हमेशा याद रखना। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, क्या है एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन हो गया आपका सोडियम, पढ़ चुकी है आपको ये सब चीजें हमेशा याद रहना चाहिए है ना, सोडियम पोटेशियम है ना, फिर सिल्वर मरकरी और जिंक, जिंक भी हम लोग नहीं कर सकते उसको टूटेंगे तो टूट जाएगा ठीक है। अब इसके में देखते हैं, देख क्या होता है, जो जैसे कि जो मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं ना, वो क्या होते हैं सॉरी दे आर नॉट मैलिएबल, नॉट मैलिएबल ठीक है, दे आर नॉट मैलिएबल ठीक है। उसी तरह से आपका जो इसमें आता है ना, नंबर 9 में अगर देख लो, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस ठीक है, तो ब्रिटलनेस मतलब क्या, उसको अगर हम लोग मोड़ें किसी तरीके से, अगर मान लो कि जैसे कि एक बिस्किट है उसको तोड़ दिया ऐसे करके ठीक है, ऐसे करके उस पर फोर्स लगाएं तो टूट गया, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रिटल है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं कि मेटल्स दे आर नॉट ब्रिटल, उसको अगर हम लोग अगर किसी तरीके से मोड़ेंगे किसी एंगल से तो क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएंगे है ना, वो टूटेंगे नहीं जनरली ठीक है। तो ब्रिटलनेस में क्या कहोगे मेटल्स के लिए, दे आर ब्रिटल आर नॉट ब्रिटल है ना, वो टूटते नहीं है, जो टूट जाएंगे उसको कहेंगे ब्रिटल, और जो नहीं टूट रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, दे आर नॉट ब्रिटल ठीक है। और ये लोग क्या है, दे आर ब्रिटल
ठीक है, वो आसानी से टूट सकते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आसानी से टूट सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या होगा, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट, डायमंड नहीं होगा ना, डायमंड तो टूटेगा क्या, डायमंड नहीं टूटेगा, तो जब टूटेगा नहीं तो वो ब्रिटल कैसे हुआ, ग्रेफाइट ना टूट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका तो जो जो आपका इसमें एक्सेप्शन आएगा, इसमें मेटल्स में एक्सेप्शन क्या है, क्या बताया था अभी, मेटल्स में क्या बताया था, जिंक, 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 जिंक इज अ ब्रिटल, है ना, वो ब्रिटल है, जिंक को अगर अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, इसीलिए तो इसका हम लोग ना ही शीट बना सकते हैं और ना ही हम इसका वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, चलो ठीक है, तो आगे जो है हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसमें।